आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी सांसद संजय सिंह की ईडी द्वारा गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी में भारी रोष व्याप्त है। ये कार्यवाही मोदी अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया गठबंधन की मजबूत आवाज संजय सिंह के आवाज को दबाने की साजिश है। संजय सिंह की गिरफ्तारी से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों में यूपी सहित पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। इसी को लेकर आगरा जिला अध्यक्ष पंडित सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 2024 में मोदी इंडिया गठबंधन से चुनाव हार रहे हैं। इसी बौखलाहट में इंडिया की मजबूत आवाज संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने कहा कि फर्जी शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्तों ने 14 बार ईडी को बयान दिए, लेकिन उन बयानों में कभी संजय सिंह का नाम नहीं लिया। सांसद संजय सिंह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है। उनका सवाल था कि क्या अभियुक्त को इतनी बार बयान देते हुए सांसद संजय सिंह का नाम याद नहीं आया। अचानक से ईडी द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों से सांसद संजय सिंह के खिलाफ बयान जबरदस्ती दिलवाया गया है। ये केंद्र सरकार की सोची समझी साजिश है और केंद्र सरकार 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के मुकाबले कमजोर साबित हो रही है, इसलिए अन्य दलों के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के प्रभारी एवं माननीय सांसद संजय सिंह जी की गैर लोकतांत्रिक तरीके से जो गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध में हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी है कि किस तरह से इस निकम्मी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, बिना किसी संबंध के, बिना किसी मामले के, ये तथाकथित शराब घोटाले के उनको गिरफ्तार किया गया, इसका हम विरोध कर रहे हैं और इसके लिए हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी है। अभी बीते दिनों आगरा में प्रदर्शन इसके लेके किया गया, इसके बाद दिल्ली प्रदेश पे भी और पूरे भारत में इसको लेकर प्रदर्शन हुआ। इसके बावजूद अभी 10 तारीख को सुनवाई है। इसके बाद अगर प्रदेश की निकम्मी सरकार माननीय सांसद संजय सिंह जी को बेल नहीं देती है या नहीं छोड़ती है तो इसके लिए पूरे भारत में आंदोलन होगा, क्योंकि माननीय संजय सिंह जी हमारे जनमानस के नेता हैं और इस निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रमुखता से उठाने वाले सांसद के वो सांसद हैं जो आदरणीय मोदी जी के सामने खड़े होकर बोलने का ये हिम्मत रखते हैं कि मोदी अडानी भाई भाई और देश बेच कर खाई में लाई। इस फर्जी शराब घोटाले में जो मुख्य अभियुक्त को 14 बार ईडी को बयान दिए, लेकिन आज तक उस लोगों ने कभी संजय सिंह जी का नाम नहीं लिया। क्या संजय सिंह जी कोई अनजान व्यक्ति है जिसको कोई जानता नहीं है कि अभी इतनी बार बयान देते हुए सांसद संजय सिंह जी का नाम याद पे नहीं आया? अचानक से ईडी द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तों ने सांसद संजय सिंह जी के खिलाफ बयान दिलवाया गया, महीने भर के अंदर अभियुक्त को जमानत मिल गई और ईडी ने उसकी जमानत का विरोध नहीं किया। जो भी व्यक्ति इस निकम्मी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उस आवाज़ को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और इसका उदाहरण आप जैसे निर्भीक और सत्य को लिखने वाले पत्रकारों को भी आपने देखा होगा कि अभी कुछ नहीं मिला तो पत्रकारों के ऊपर भी छापा डलवाने का काम ये निकम्मी सरकार कर रही है। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।